गाइस अपना जो पार्सल है वो यहाँ ड्रॉप कर दिए, ट्रिप को हम लोग करते हैं एंड। अपना पार्सल ड्रॉप हो गया है, ठीक है, पेमेंट लेना है अपने को यहाँ से और उसके बाद में ट्रिप को एंड करना है। गाइस अपना पार्सल जो है यहाँ पे डिलीवर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और गाइस स्कूटर का सामान हम लोगों ने उठा लिया है, इसको हम लोग को देना है आर ए कॉलोनी में। सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं FTC चैनल। हम लोग फील्ड पे निकले हैं, 11 बज रहा है और अभी मैं जस्ट ऑनलाइन आया हूँ, कोई ट्रिप आई नहीं अभी, हम लोगों ने कुछ भी नहीं उठाया, ठीक है। और आज टाइम भी 11 बज रहा है तो आज अपना टारगेट भी थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, मतलब 1000 के ऊपर कमाने की कोशिश करेंगे एंड ऑफ द डे तक। देखते हैं एंड ऑफ द डे तक क्या पॉसिबल रहता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी फटाफट से ऑनलाइन करते हैं ऐप को और देखते हैं फर्स्ट ट्रिप कहाँ की लगती है अपने। सो गाइज एक पार्सल मैंने उठा लिया, 195 का है और ये व्यू फास्ट का पार्सल है, ठीक है। इसको अपने को लेके जाना है मलाड में। पार्सल ये रहा गाइज, मतलब इसके अंदर है ना कपड़े हैं, पुराने जूने पुराने कपड़े हैं, इसको लेके जाना है अपने को मलाड। और ये एक्चुअली है डोनेशन के कपड़े है, मदर फाउंडेशन डोनेशन करके एक कंपनी है, शायद जो भी ये कंपनी या संस्था है वहाँ पे अपने को ये डोनेट करना है। तो मैंने ये जो पिकअप किया हूँ ये बिल्डिंग से पिकअप किया हूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक आध व्यू फास्ट भी उठा लूँ मलाड साइड का ही, क्योंकि ये भी अपने को मलाड ही देना है तो एक और मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मलाड का है लेकिन ये कोई और लोकेशन का है तो मैं दूसरा देख रहा हूँ, अगर कोई मिलता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। और गाइस एक और पार्सल मैंने उठाया, वो 107 रुपये का है और ये चांदीवली से ही उठाया हूँ। इसको भी अपने को ना गाइस कुछ आरे रोड के आसपास में फूले नगर में देना है, तो ये भी मैंने उठा लिया 107 रुपये का। देखते हैं अभी ये ऑर्डर को पिकअप करते हैं, पिकअप लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। चलते फटाफट करते हैं पिकअप। पोटर का जो है सेकंड पार्सल अपना यहीं पे, फटाफट चलते और लेते हैं पार्सल। तो गाइस पोटर का सामान हम लोगों ने उठा लिया है, इसको हम लोग को देना है आर ए कॉलोनी में, फिर उसके बाद में ये वाला पार्सल देंगे जो कि मलाड है। फटाफट चलते करते दोनों भी ट्रिप को कम्प्लीट। सो गाइस ये जंगल में अपने को जो है ऑर्डर डिलीवर करना है, ठीक है। ये जो पोटर का जो ऑर्डर है ये गोनी, तो पार्सल देते हैं और उसके बाद यहीं से निकलते हैं हम लोग वी फास्ट का पार्सल देने के लिए। पता नहीं कस्टमर भी कहाँ है, आई थिंक सामने से आ रहा शायद वही है। हाँ बोलो ना, ये आपका जो लोकेशन है ना, ये स्कूल क्या है, ये कुछ छोटा सा मिलिंड लिखा है, मिलिंड विद्यालय। आपका जो आपका लोकेशन अंदर का दिखा है, इसके लिए अंदर आ गया मैं तो। बाहर है क्या आप? हाँ हाँ रोड पे खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ फिर। सो ग्लिच की वजह से ना गाइस जो लोकेशन है वो जंगल के अंदर का है, लेकिन वो कस्टमर खड़ा है वो रोड पे, तो फटाफट चलते हैं गाइस पार्सल को रोड पे जाके डिलीवर करके और उसके बाद निकलते हैं। जो पोटर का पार्सल था वो जो गोनी हम लोगों ने यहाँ डिलीवर किया है, अपने पास एक और पार्सल है, इसको लेके चलते फटाफट मलाड। तो गाइस हम लोग पहुँच गए और अपने को यहीं पर डिलीवरी करना है, फटाफट चलते और करते हैं डिलीवरी। गाइस अपना पार्सल जो है यहाँ पर डिलीवर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और अब ये भाई साहब अपनी थैली जो है खाली करके देंगे और उसके बाद वो थैली लेके निकलेंगे हम लोग। सो गाइस टाइम हो रहा है 12:52 और 309 की एक ट्रिप आई है अपने को, जो कि मलाड ईस्ट से है और इसका ड्रॉप जो है लोअर पर है। फटाफट चलते हैं गाइस पिकअप लोकेशन पे और उसके बाद में देखते हैं क्या है सामान। कस्टमर से बात हो गई। सो गाइस पिकअप लोकेशन पे हम लोग पहुँच गए, कस्टमर से बात हो गई, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। कुछ सैंपल है उसको लेके आएगा, अपन उसको लेके जाएंगे लोअर पर। फिलहाल मैं देख रहा हूँ अगर वीफास्ट में कुछ मिलता है, लोअर परेल का सामान भी आ गया है। इस पार्सल हम लोगों ने उठा लिया, कुछ सैंपल है, ठीक है। ट्रिप को करते फटाफट से स्टार्ट और देखते हैं यहाँ से कितना दूर है लोअर परेल। 1 घंटे की दूरी पे है गाइस, 1 घंटा 20 मिनट 24 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा है। शॉर्टकट देखेंगे अगर कुछ मिलता है तो, ठीक है। और सोच रहा हूँ गाइस इतना दूर जाना है तो मैं सोच रहा हूँ वीफास्ट तो उठा के लेके जाना ही पड़ेगा, जब ही अपना कुछ फ़ायदा होगा कुछ बेनिफिट होगा। देखते अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर निकल जाएंगे। भांडू बिंडुप का दिखा रहा है और अपने को जाना है लोअर परेल, कुछ रहेगा तो मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस 10 मिनट हो गए अपने को ऑलमोस्ट और वी फास्ट में अपने को कोई भी लोअर परेल का ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो अभी हम लोग को यही पार्सल लेके निकलना पड़ेगा गाइस फटाफट। चलते फटाफट इसी को करते हैं ड्रॉप और उसके बाद देखते हैं वहाँ से कौन सा ऑर्डर लगता है अपने को। देखो एक भी नहीं आ रहा है लोअर परेल के लिए, 10 मिनट हो गया ऑलमोस्ट अपने को। गाइस अभी हम लोग पहुँच गए माँ लक्ष्मी में और हम लोग को यहीं पे डिलीवर करना है, फटाफट चलते और करते हैं पार्सल को ड्रॉप। अपना पार्सल ड्रॉप हो गया है, ठीक है, पेमेंट लेना है अपने को यहाँ से और उसके बाद में ट्रिप को एंड करना है। सो गाइस पेमेंट मिल गया अपने को, ट्रिप को फटाफट से करते हैं कैश कलेक्टेड और स्टार इसको 5 स्टार और देखते हैं अगर कुछ बचता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर निकलते हैं।
सो गाइस पार्सल हम लोग ने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे, और अभी मैं नीचे उतर गया हूँ। देखते हैं अभी कोई अच्छी ट्रिप आती है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं हूँ लोअर परेल में। 265 की एक ट्रिप आई है गाइस अपने को, जो कि चिंचपोकली से पिकअप है और इसका ड्रॉप जो है गोरेगांव है, ठीक है। पिकअप लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, 3 किलोमीटर दूर है पिकअप लोकेशन और 10 मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं। एक बार कस्टमर से ही बात करते हैं और फिर फटाफट निकलते हैं। हेलो, आप पोटर से बात कर रहे हो सर? ये चिंचपोकली से गोरेगांव लेके जाना है ना आपका पार्सल, और सामान क्या है? ठीक है सर, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ लोकेशन। अपोलो डिज़ाइन ना, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड क्या बोलने का? ठीक है, 5 मिनट में पहुँचता बोला तो तुरंत फ़ोन कट कर दिया कस्टमर ने। पार्सल हम लोगों ने पिकअप कर लिया है गाइस, और अभी फटाफट से करते हैं ट्रिप को स्टार्ट और देखते हैं ऐसे कितना किलोमीटर की दूरी पे है गोरेगांव अपना जो ड्रॉप लोकेशन है। 1 घंटा दिखा रहा है और 23 किलोमीटर दूर है, सो लेते हैं फटाफट और निकलते हैं। और क्या गाइस, अपना जो पार्सल है वो यहाँ ड्रॉप कर दिए, ट्रिप को हम लोग करते हैं एंड और कस्टमर को कॉल करके फटाफट से फिर पेमेंट भी मंगवा लेते हैं। सो गाइस, अपना पार्सल हम लोगों ने यहाँ ड्रॉप कर दिया है और पेमेंट भी कस्टमर कर रहा है, तो जब तक हम लोग इसको ट्रिप को एंड कर देते, ठीक है, और इसको कर देते ऑफलाइन। हाँ, और आज हम लोगों ने टोटल जो है कुछ 550 का धंधा किया है, 3 ट्रिप मार के, 1 वीफास्ट मारे हम लोगों ने। और गाइस, थोड़ा सा एक छोटा सा मुझे एक पर्सनल काम आ गया है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो अभी फ़िलहाल मैं गोरेगांव में हूँ, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। वो काम मेरा ख़त्म होता है तो उसके बाद में मिलता हूँ आपको, ठीक है। अगर ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर भी बताऊंगा, या तो फिर घर पे निकलना रहेगा तो भी मैं वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। चलते फटाफट और जो काम है वो कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, अपना दिन हो गया है ख़त्म। एक्चुअली जो अपना पर्सनल जो क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल जो वर्क था, अपना काम था, वो थोड़ा ज़्यादा ही चल गया और उसकी वजह से जो है अपना काम हो नहीं पाया, मतलब पोटर में और वी पास में जो भी है। तो अभी रात भी हो गई है और अभी हम लोग घर पे जाने वाले। उससे पहले सोचा मैं आपको अपनी अर्निंग शो कर देता हूँ और उसके बाद में निकल जाते हम लोग घर पे, ठीक है। गाइस, पोटर में हम लोगों ने 3 ट्रिप मारे थे, 544 की अर्निंग हुई थी, 5-5.5 घंटा ऑनलाइन था मैं, और अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाला है, ठीक है। और वी फास्ट में हम लोगों ने 1 ट्रिप मारा था 195 रुपीज़ की, मतलब एक ही मारे थे हम लोग, तो टोटल जो हो गया 739 रुपीज़, मतलब 750 के आसपास में अपनी अर्निंग आज की हुई है। तो गाइस, इतना कुछ खास अपनी अर्निंग हुई नहीं है, कुछ अपने पर्सनल काम की वजह से जो है अपना जो है पोटर का टाइम जो है इधर उधर हो गया, ठीक है। देखते हैं अभी, कल से हम लोग थोड़ा जल्दी निकलेंगे और अपना टारगेट भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको भी मालूम है, आज भी अपना जो है टारगेट मिस हो गया और कल का भी अपना टारगेट मिस हो गया, मतलब कंटिन्यू 2 से 3 दिन हो गया अपना टारगेट मिस होता जा रहा है, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करो, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, अंगारा पता था मौज जैर जख्म जो भी लगे मेरा भाई, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना। यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन रहेगा, उसको भी दबा देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बहुत डासू वीडियो के साथ में, जब तक के लिए देखते रहिए FTC चैनल और हाथ दुआ में याद रखना, और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, एंड ऑलवेज 1 नंबर।